इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस। सो इंडेक्सिंग खत्म हो गया, ये डीबीएमएस का लास्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शंस। नाउ ट्रांजैक्शंस क्या है? ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन बेसिक है, ट्रांजैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। यानी कि एक ऑपरेशन, यानी कि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है एक साथ, उसको हम एक ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। और ट्रांजैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे बैंक डेटाबेस का, और ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। तो यहाँ पे बैंक का डेटाबेस अगर मैं ले लेता हूँ, बैंक के डेटाबेस में क्या होगा कि हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे पूरा पता चलेगा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली होगा। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन, सपोज हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है T1, वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। और बैंक में कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, सपोज मेरे पास अकाउंट ए है, अकाउंट बी है, अकाउंट ए की अमाउंट 100 है और यहाँ पे बी की 200 है। नाउ मुझे 50 रुपीज यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं ए और बी के बीच में। तो बेसिक लॉजिक क्या होता है कि ए में से 50 माइनस करेंगे और बी में ऐड करेंगे। नाउ ट्रांजैक्शन में ये चीज किस तरह से परफॉर्म की जाती है, यहां पे पहले तो हम ए को रीड करते हैं, तो रीड ए, बाद में ए का जो अमाउंट होता है उसमें से हम 50 माइनस कर देते हैं, ए इक्वल्स टू ए माइनस 50। जैसे ये परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम ए को राइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी में हमें ऐड करना है तो पहले हम बी को रीड करेंगे, नेक्स्ट बी के अंदर हम 50 प्लस करेंगे, बी इक्वल्स टू बी प्लस 50, एंड लास्ट में हम बी को राइट करेंगे। तो यहां पे हमारा ये जो T1 ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होता है, इसीलिए हम इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म अ सिंगल लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ ट्रांजेक्शन हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें उसमें सीपीयू का यूज जो होगा वो हम ज्यादा से ज्यादा करें। और यहाँ पे ये जो एक एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें सीपीयू का कितना यूजेज है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे ऐसे ऑपरेशंस में ही सीपीयू का यूज होगा, जैसे कि ये ऑपरेशंस। बाकी के तो डेटाबेस में से रीड कर रहे और राइट कर रहे, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं आईओ ऑपरेशंस। नाउ आईओ ऑपरेशंस जब भी होते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो सीपीयू होता है, आईओ ऑपरेशंस जब भी चलते हैं तो सीपीयू हमारा फ्री होता है, यानी कि ये टाइम पे सीपीयू फ्री रहता है। तो जैसा कि जब भी हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो सिनारियो कुछ इस तरह से होता है, पहले आईओ ऑपरेशन होता है, देन सीपीयू होता है, देन आईओ, एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे हमारा ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है, ये T1 की बात करता हूँ। नाउ बैंक डेटाबेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं, T1 हुआ, T2 हुआ, देन T3 हुआ। सो अगर मुझे सीपीयू का ज्यादा से ज्यादा यूजेज करना है तो मैं दूसरा एक ट्रांजेक्शन पैरेलली चलाऊंगा, कॉन्करेंटली, जिसमें जब भी आईओ ऑपरेशन होगा उस टाइम पे मैं सीपीयू का यूज कर लूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें T2 का, लेटेस्ट एक एग्जाम्पल, T2 में जो पहला ऑपरेशन है वो सीपीयू का है, ओके। नाउ अब T1 को सीपीयू की जरूरत है तो यहां पे हम करेंगे स्विचिंग, यानी कि यहां पे हम ये ट्रांजेक्शन को सीपीयू दे देंगे और यहां पे या तो आईओ ऑपरेशन होगा या फिर ये ब्लैंक रहेगा, बाद में हम वापस से यहां पे आ जाएंगे, सीपीयू ऑपरेशन है, और इस तरह की साइकिल चलती रहेगी। लेकिन ये जो है इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, यानी कि कॉन्करेंट प्रोसेस जो चलती है, एक साथ हम चला रहे तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि इश्यूज, अब ऐसे जो इश्यूज होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट इश्यूज, ओके। डेटाबेस में एक और चीज का ध्यान रखना है, डेटाबेस में क्या होगा, हम डेटा का यूज कर रहे हैं, ये जो रीड है राइट है तो रीड कर रहे हैं डेटाबेस का। तो जब भी ये ट्रांजेक्शन अगर ए का यूज कर रहा है और ये ट्रांजेक्शन भी ए का यूज कर रहा है तो यहां पे खास ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्करेंट इश्यूज में कभी भी डेटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल कि यहाँ पे अगर पैरेलली चलाना है तो हम क्या एक इश्यू आ सकते हैं, ओके। सो सेम प्रोसेस हम करेंगे लेकिन कुछ अलग तरह से करेंगे। यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन T1 ले लेता हूँ और T2 ले लेता हूँ। यहाँ पे अकाउंट ए है, उसकी अमाउंट अभी 100 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले रीड करूंगा, रीड ए। नाउ अकाउंट ए में से मैं 50 रुपीज माइनस कर देता हूं। जैसे ही मैं माइनस करता हूं तो अभी क्या होगा, अभी हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, 50 रुपीज होने चाहिए। नाउ यहां से मैं स्विच कर देता हूं ट्रांजेक्शन 2 में और यहां पे मैं अगेन ए को रीड करता हूं और ट्रांजेक्शन ए में से 25 निकाल देता हूं, ओके। सो यहां पे होगा क्या,
ए में से 25 निकल गए, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, ए में कितने रहने चाहिए, 75 हमने माइनस किए तो अभी आंसर 25 आना चाहिए। तो यहां पे अब वापस से मैं स्विच कर दूंगा और यहां पे राइट करूंगा एंड यहां पे भी मैं राइट करूंगा। नाउ अगर ये ट्रांजेक्शन को हम देखें तो यहां पे हमारा जो राइट, यहां पे हमारा ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 माइनस 50 50 ओके, लेकिन इसका अपडेट यहां पे नहीं मिला है। तो ये ट्रांजेक्शन के हिसाब से इसने जो रीड की 100 की वैल्यू उसका आंसर यहां पे कितना आएगा, 75। दैट मींस वैल्यू हमारी क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती है और इसी को हम बोलते हैं कॉन्करेंट इश्यूज, क्योंकि हम कॉमन डेटा यूज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन वन में भी एक का, ट्रांजेक्शन टू में भी एक का यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम। और एक बात, अब मैं आगे बी पे कुछ परफॉर्म करता हूँ, रीड राइट वॉट एवर, तो इससे ए को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो बेसिक बात है। तो भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम किस तरह से आप फेस करेंगे। नाउ अगर सीधी तरह से कहूँ, पहले हम T1 को परफॉर्म करें देन T2 को परफॉर्म करें तो हमारा आंसर राइट आएगा, पहले T2 को परफॉर्म करें बाद में T1 को परफॉर्म करो तो आंसर राइट आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे CPU हमारा बहुत फ्री रहता है, एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है और यहाँ पे भी फ्री रहता है क्योंकि ये क्या है, वन आफ्टर अनदर, T2 के बाद T1, तो हमें क्या करना है, दोनों को कॉन्करेंटली चलाना है लेकिन बिना किसी इश्यूज के। तो ये ट्रांजेक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन था और यही चीज को अगर अच्छे से मैनेज करना है तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली क्या है और ये किस तरह से हम क्या सॉल्व करने वाले हैं इसमें। सो हम ज्यादातर कॉन्करेंट इश्यूज को सॉल्व करेंगे और इसमें तो हमें खास ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे, एसिड प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंड देन आगे हम इश्यूज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, गेट के और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क्स चल रहा है, DBMS कंप्लीट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।